उत्कल सांस्कृतिक परिषद श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 6 के तत्वावधान में महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का 9 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 6 ए मार्केट के समीप स्थित गुंडीचा मंडप में विराजमान महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी के भव्य पंडाल में प्रतिदिन विविध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुवार को भी विविध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम किए गए, जहाँ मधुर भजनों ने मंडप में उपस्थित भक्तजनों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये कार्यक्रम गुंडीचा यात्रा का ये 9 दिवसीय यात्रा है। भगवान अपने मौसी के घर, जो इंद्रदुम्न की पत्नी गुंडीचा महारानी, वो जो भगवान का जन्मस्थली है, उसमें भगवान आए हैं। 28 तारीख को वापसी जाएंगे। उनका जो प्रत्यागमन यात्रा 28 को है, अभी 28 तारीख को वापसी यात्रा है। कार्यक्रम में ऐसा है, विविध कार्यक्रम होता है। अपने यहाँ जो जगन्नाथपुरी का नियम है, नियम के अनुसार जो अन्न प्रसाद का होता है, दोपहर को, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और ये जो है राम कथा, यहाँ राम कथा हो रहा है। गोंदिया से राम ज्ञानी महाराज जी महात्यागी, जो त्रिखड़ी आश्रम से मुख्य महात्मा हैं, वो बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, वो आए हैं। और उनका अभी 4 बजे से 7 बजे तक होगा। और यहाँ इस दरमियान बहुत बड़ा आकर्षण आरती का होता है, जो भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ होता है। यहाँ प्रसाद व्यवस्था पूरी के ढंग से मनाया जाता है। और इस बीच में बहुत बड़ा पर्व होता है, 24 तारीख को संपन्न होगा, उसको हेरा पंचमी कहते हैं। महालक्ष्मी मनाने के लिए आती है, महालक्ष्मी रोती है, बिना बताए जगन्नाथ जी आए हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र जैसे मानवीय लीला भगवान का है। और जब रोती है, माँ भगवती जगदम्बा बोलती है, पति को नियंत्रण में रखना पड़ता है, मोहिनी चूर्ण देती है। उस मोहिनी चूर्ण देने के बाद जगन्नाथ जी का मन में परिवर्तन आता है, वो रथ को तोड़ती है। उसी दिन से प्रत्यागमन यात्रा होता है। प्रत्यागमन यात्रा के बाद भगवान जब दशमी को लौटते हैं, फिर एकादशी को सोने का श्रृंगार होता है रथ के ऊपर। एक अधर कमापणा का रस्म है। अधर पणा का अर्थ होता है भगवान साथ बहुत सारे भूत प्रेत भैरव, बहुत सारे जिसको अदृश्य रूप में आते हैं, तो उनके लिए वो प्रसाद होता है। और वो प्रसाद उनके लिए समर्पित होता है, फिर भगवान का नीलाद्री विजय होता है। ऐसे 9 दिवसीय यात्रा आषाढ़ की द्वितीया से प्रारंभ होके द्वादशी तक चलती है।